ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप सिंह के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर खंड विकास अधिकारी श्रीदत्तगंज को सौंपा ज्ञापन। जनपद बलरामपुर के विकासखंड श्रीदत्तगंज क्षेत्र के ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक अध्यक्ष श्रीदत्तगंज कुलदीप सिंह के नेतृत्व में 15 सूत्रों को लेकर एक ज्ञापन खंड विकास अधिकारी श्रीदत्तगंज को सौंपा, जिसमें प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आगामी 9 जनवरी दिन सोमवार से सभी ब्लॉक परिसरों में काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया है। इसमें सरकार द्वारा आयोजित ग्राम चौपाल कार्यक्रम का भी पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा तथा अनिश्चितकालीन धरने की प्रमुख मांगे इस प्रकार है। बलरामपुर नेपाल से सटा जिला है, जहां नेटवर्क की गंभीर समस्या रहती है। मोबाइल से हाजिरी नहीं लग पा रही है, अतः मोबाइल मॉनिटरिंग व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा पुरानी व्यवस्था ही लागू रहे। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रम में मनरेगा में 5 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति के अधिकार पंचायतों और मनरेगा के भुगतान हेतु ग्राम प्रधानों को डोंगल प्रदान किया जाए, जिसे भुगतान पंचायत द्वारा ही किया जा सके। मनरेगा का पैसा ग्राम पंचायतों के खाते में भेजा जाए, जिससे लेबर व मटेरियल का भुगतान सुगमता से किया जा सके। जनपद में मनरेगा द्वारा कराए गए कार्यों का बकाया मटेरियल व लेबर के पैसे का भुगतान तत्काल कराया जाए। केंद्रीय वित्त व राज्य वित्त की धनराशि पंचायतों की वर्तमान आबादी के 5 गुना बढ़ाई जाए। ग्राम प्रधान और अन्य ग्राम पंचायतों के संविदा कर्मियों का मानदेय विद्युत बिल का भुगतान हेतु अलग से धनराशि पंचायतों को उपलब्ध कराई जाए। ग्राम पंचायत सचिवालय के कुशल संचालन हेतु 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष ग्राम निधि में उपलब्ध कराई जाए। ग्राम रोजगार सेवकों का तबादला एक से दूसरे पंचायतों में करने की नीति बनाई जाए। ग्राम प्रधानों के अनुरोध पर शस्त्र लाइसेंस वरीयता के आधार पर प्रदान किया जाए। बिना पंचायत के अनाधिकृत प्रमाण पत्र के किसी भी कार्यदायी संस्था को कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए। अन्य मांग ब्लॉकवार समस्या के आधार पर जोड़े जा सकते हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर ग्राम प्रधानों द्वारा खंड विकास अधिकारी श्रीदत्तगंज को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर विकास खंड श्रीदत्तगंज के अधिकांश ग्राम प्रधान मौजूद रहे। क्या नाम है? कुलदीप सिंह, प्रधान संघ अध्यक्ष श्रीदत्तगंज ब्लॉक। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया क्या? आज हम लोगों ने मनरेगा में जो है मोबाइल मॉनिटरिंग से हाजिरी के चक्कर में हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है, क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है। मजदूरों का पैसा समय से नहीं आ पाएगा, मजदूर जो काम करेंगे उनका पैसा देने का सारा जिम्मेदारी हमारे हम लोगों की होगी। उसी के खिलाफ अगर यह सरकार अपने इस दिए गए ज्ञापन में जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं करती है और अपने इस आदेश को वापस नहीं लेती है, तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए कार्य का बहिष्कार करते हैं। और अगर 15 दिन के अंदर इस मांग को नहीं मांगा गया, सरकार अगर प्रधान संघ के मामले को हल्के में लेती है, तो सरकार से भी हम लोग दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। और ये गाँव पंचायत की सरकार है, ये सबसे छोटी सीढ़ी होती है राजनीति की, यहीं से ही सरकारें बनती हैं, चाहे वो दिल्ली का रास्ता हो चाहे उत्तर प्रदेश का रास्ता हो, होकर जाता है गांव से। और उन रास्तों में बहुत कठिन डगर हो जाएगी, भविष्य 2024 नज़दीक है और सरकार ये समझ ले कि छोटी सरकार अगर नाराज हो गई तो बड़ी सरकार बनने में मुश्किल हो जाएगी। क्या नाम है? मोहम्मद अनवर खान सद्दानंद, महारा प्रधान संघ के महामंत्री। आज आप जो माननीय हमारे अध्यक्ष जी हैं कुलदीप सिंह, उनके बुलाने पे सभी प्रधान लोग इकट्ठा हुए और ये मोबाइल का बहिष्कार कर रहे हैं, जो मोबाइल से मॉनिटरिंग मनरेगा करा गया, क्योंकि नेपाल बॉर्डर सटा हुआ है और यहाँ जो है मोबाइल में जो है हमारा ऑनलाइन काम सुबह सुबह या नहीं हो पाएगा, तो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है। तो जो पुराना हमारा कार था वैसे चलने के लिए हम लोग मांग किए हैं और ये मांग पूरे प्रदेश नहीं, पूरे इंडिया में मनरेगा का इसी मांग सभी प्रधान कर रहे हैं, जहाँ प्रधानी लागू है सबल से, और इसकी लड़ाई हम लोग लंबा लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आज कह रहे हैं एपीओ साहब ने ज्ञापन ले लिया, बीजो साहब नहीं है तो कल खत्म कर देंगे, 15 दिन के अंदर इसके बड़े पैमाने पर हम लोग इसका युद्ध छेड़ेंगे। और ज़मीनी स्तर पर चाहे ब्लॉक पर धरना देना पड़े, अनशन करना पड़े, चाहे जिले में जाना पड़े, चाहे हम लोग के ऊपर FIR हो, सभी कार्यों को बहिष्कार करके जेल जाने तक हम लोग तैयार हैं, ताकि चौपाल भी अब गाँव नहीं लगाएंगे। जनता के हित को लेकर हम लोग प्रधान हुए थे, तमाम समस्या को लेकर ग्राम सभा की विकास 2 साल के अंदर हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं और ये केवल अधिकारियों की लापरवाही है, चाहे तहसील स्तर का अधिकारी हो चाहे ब्लॉक स्तर का हो, कोई कर्मचारी प्रधान माने कुछ समझ ही नहीं रहा है, अपनी मनमाना कर रहे हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर हम लोग लड़ने तैयार हुए हैं। मैं चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया हम लोग का सहयोग करें, ताकि शासन में बैठे लोग को आवाज़ हमारा आप ही लोग पहुँचा पाएंगे। तो नए साल पर मैं बधाई दूंगा और ये साल जो हमारा नया साल शुरुआत हुआ है, आप लोग के सहयोग से ही लड़ाई होगा और समय समय पे आपका सहयोग जरूरी है।